2017 में एंड्रॉयड ओ का अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग ने अपना एक ऑफिशियल लिस्ट लॉन्च कर दिया गया है जिसमें आपको एंड्रॉयड ओ का अपडेट मिलेगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए, मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए। सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro की, तो सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro में आपको एंड्रॉयड ओ का अपडेट मिलेगा। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro में आपको एंड्रॉयड ओ का अपडेट जल्दी मिल जाएगा। जल्दी नहीं कहूँगा, लगभग आपको 2017 के लास्ट में ये अपडेट देखने को मिल सकता है। तो एक अगर अच्छी बात है अगर आप सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro अगर आप यूज़ करते हैं तो। अब बात करते हैं इस साल ही लॉन्च की गई सैमसंग के एक दूसरे फ़ोन की, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J7 Max। तो सैमसंग गैलेक्सी J7 Max में भी आपको एंड्रॉयड ओ का अपडेट देखने को मिल सकता है। मिल सकता है नहीं बल्कि मिलेगा ही, क्योंकि जो लिस्ट लाई है सैमसंग ने, जो कि जिनमें आपको एंड्रॉयड ओ का अपडेट मिलेगा, तो मैंने एक लिंक दिया हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाइए वो लिंक देख लीजिए। उनमें सारे डिवाइजन के नाम लिखे गए हैं जिनको आपको एंड्रॉयड ओ का अपडेट देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी बात है अगर आप सैमसंग के J7 Max और J7 Pro यूज़ करते हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे 2016 में सैमसंग के जे सीरीज़ के फ़ोन के बारे में। तो 2016 के जो सैमसंग के फ़ोन्स हैं उसमें आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक डिवाइस को छोड़कर। तो वो कौन सा डिवाइस है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो डिवाइस है सैमसंग का J7 Prime। जी हाँ, सिर्फ सैमसंग का J7 Prime 2016 के वेरियंट में ही आपको एंड्रॉयड ओ का अपडेट देखने को मिलेगा। और 2016 के जो J7 2016 है, फिर J5 Prime, उन लोगों को एंड्रॉयड ओ का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऑफिशियल डिटेल है, मैं कोई फेक नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके वो लिंक देख सकते हैं कि किन किन डिवाइसों को एंड्रॉयड ओ का अपडेट मिलने वाला है। तो ये सब डिवाइसें, सिर्फ जे सीरीज की सिर्फ 3 डिवाइस को ही एंड्रॉयड ओ का अपडेट मिलेगा, जो कि है J7 Max, J7 Pro और J7 Prime। तो J7 Prime और J7 Pro में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि सेम स्पेस है और रैम भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसीलिए आप लोगों को जो J7 Prime है, J7 Pro और J7 Max, इन तीनों को तो मिलेगा ही, क्योंकि सैमसंग का जो पॉलिसी होता है वो लगभग आपको 2 साल का होता है, लेकिन आजकल लगभग आपको 1 साल के बाद ही सैमसंग के पॉलिसी में आपको अपडेट देखने को नहीं मिलता है। तो एक अच्छी बात नहीं है कि 2 साल की पॉलिसी में आपको 1 साल तक ही सिर्फ अपडेट देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन J7 2016 है उसको आपको एंड्रॉयड नुगट का अपडेट मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी पहुंच जाए, और वो लोग भी अगर ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले पाएँ, क्योंकि इनको आगे भी अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी पहुँचे। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए डेली टेक वीडियोज़ के लिए, और हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।